तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। सबसे पहले होना चाहिए कि आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, पहले ये ऑब्जर्व होना चाहिए। दूसरा कि अब इसे हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, क्योंकि आपके पास तीन तरीके होते हैं इंटीग्रल करने के, ठीक है। खैर, उनमें से एक होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमें क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कॉट को पहले लिखिए आप कॉस अपॉन साइन, तो दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो साइन एक्स यहाँ आ जाएगा, होल डिनोमिनेटर साइन एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सबसे नीचे से सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इसी स्टेप में आप लिख सकते हो साइन एक्स सबसे ऊपर चला गया, ये आ गया आपका फाइनल स्टेप, ठीक। अब देखिए नीचे का जो डेरिवेटिव है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर अपीयर कराया जा सकता है, देखिए कैसे क्या करें हम लोग यहाँ पे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ऊपर आप लिख सकते हो 1/2 साइन एक्स को, आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। 2 साइन एक्स को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव हमें लाना है, तो ये प्लस कॉस एक्स किया और माइनस कॉस एक्स, तो कोई भी फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड करी है, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी है, लेकिन हमारी एक्सप्रेशन की शक्ल में जरूर फर्क पड़ जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए ये चीज इसके नीचे अगर ये डिनोमिनेटर आता है तो ये कट के 1 आ जाएगा, लेकिन ये चीज इसकी डेरिवेटिव है, देखिए कैसे साइन का कॉस हो जाएगा, है ना, और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस का फर्क है तो माइनस हम कॉमन कर लेंगे यहां से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2, इतना अलग कर दें हम लोग, दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दें इसे, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये कट के क्या आ गया यहां पे, ये कट के यहां पे 1 आ गया, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, खैर ये तो आसान हो गया, और ये भी आसान है, नीचे आपका क्या है, नीचे का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर है, बशर्ते आप माइनस साइन कॉमन कर लो, तो माइनस चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस और कॉस का माइनस साइन हो गया, तो ऊपर अगर नीचे एफ एक्स है तो ऊपर एफ डैश एक्स है, और ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज 1/2, और 1 का यहाँ 1 आएगा कट के, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं एक्स माइनस या कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब डिनोमिनेटर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड में रखेंगे, है ना, क्योंकि लॉग जो होता है इसका डोमेन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर।